भाजपा महिला मोर्चा ने नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान तथा कांग्रेस सरकार के शराब बंदी के वादा खिलाफी के विरोध में सेक्टर वन आबकारी विभाग के सामने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथों में तालाबंदी का पोस्टर लेकर नारेबाजी की और शराब दुकानें बंद करने की मांग की। पुलिस द्वारा आबकारी विभाग के सामने बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन महिलाओं ने बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन किया। नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के शराबबंदी के वादा खिलाफी के विरोध में सेक्टर वन आबकारी विभाग के सामने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथों में तालाबंदी का पोस्टर लेकर नारेबाजी की और शराब की दुकानें बंद करने की मांग कर डाली। पुलिस के द्वारा आबकारी विभाग के सामने बैरिकेड लगाकर रोकने का प्रयास काफी किया गया, लेकिन महिलाओं ने बैरिकेड पर चढ़कर जमकर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि भाजपा महिला मोर्चा के भिलाई जिला अध्यक्ष स्वीटी कौशिक तथा जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बीजपुरिया के नेतृत्व में सैकड़ों महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने रैली के माध्यम से सेक्टर वन आबकारी विभाग पहुँचे। सेक्टर वन आबकारी विभाग पहुंचे महिला मोर्चा के द्वारा आबकारी विभाग पर ताला लगाने के लिए यहां पर पहुंचे, उससे पहले ही पुलिस के द्वारा बैरिकेड यहां पर लगा दिया गया था। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को यहां पर रोका गया, लेकिन महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर अंदर प्रवेश किया। महिलाओं द्वारा बैरिकेड्स पर चढ़कर जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया गया। महिला मोर्चा का कहना था कि कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी करने की घोषणा की है, लेकिन अभी तक उनका वादा पूरा नहीं हो पाया है। नकली शराब पीकर लोगों की मौत हो रही है, उसको लेकर हम लोगों ने आबकारी विभाग में तालाबंदी का कार्यक्रम रखा था और साथ ही लगातार छत्तीसगढ़ में नशे के चलते काफी घटनाएं भी होती देखी जा रही है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बीजपुरिया ने कहा कि सरकार अपना वादा पूरा करे, अन्यथा आगामी चुनाव में प्रदेश की जनता और खासकर महिलाएं उसे बाहर का रास्ता बताना नहीं भूलेगी। वहीं शराब की वजह से कई घरों में कलह झगड़ा होने की बातें उन्होंने कही। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं और ये सरकार कुंभकर्णी नहीं सो रही है। एक तो अवैध रूप से सरकार बेच रही है शराब को और शराब से लोग मर रहे हैं। इसके साथ साथ शराब में जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा विंग ने ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में करने का आह्वान किया है और जो लोग मरे हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है और सरकार से मांग की है कि जो लोग जहरीली शराब से मरे हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए और जो लोग इसके दोषी हैं उन सबके लिए उसको सजा दी जाए। आज हम लगातार देख रहे हैं, जब से भोपाल सरकार बैठी है तो लगातार शराब घोटाला, कोयला घोटाला, हर प्रकार के घोटाले चल रहे हैं। 5 किलो अनाज जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, उसमें भी घोटाला कर रहे हैं लोग। और कोयले में जो घोटाला हुआ है उसमें आपको मालूम है इनकी जो सेक्रेटरी थी सौम्या चौरसिया, उसका भाई भी शामिल है, सूर्यकांत तिवारी शामिल है और वो सौम्या चौरसिया आज भी जेल के अंदर है। 3-3 कलेक्टर कोयला कांड में अंदर हुए हैं, लेकिन किसी को कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सट्टा महादेव सट्टा का जो मामला है वो लगातार चल रहा है, सारे कांग्रेसी इसमें इन्वॉल्व हैं। मैंने कई बार एसपी साहब से बोला कि आज एक साल के अंदर जितने लोग यहाँ से दुबई गए हैं उनकी जांच की जाए, वो कौन लोग हैं और वहाँ क्या किया उन्होंने जाकर के, इनकी अगर जांच कर दी जाएगी तो सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस के लोग कितनी बड़ी संख्या में इस महादेव ऐप में शामिल हैं। भाई नशाबंदी होगी जब आप उस रोक लगाओगे ना, आप खुलेआम गोलियां बिक रही हैं। आज दुर्ग में हम हर बार देखते हैं वहां पर कि पकड़े जाते हैं लोग, गोलियां मिलती हैं, जो पुड़िया मिलती है 10 पुड़िया 5 पुड़िया, लेकिन लगातार सिलसिला चल रहा है 5 साल से, लेकिन आज तक उनके जो सरगना हैं जो हजारों पुड़िया लेके आते हैं बेचते हैं उनके बारे में क्यों नहीं पता करते। आज मेडिकल स्टोर में जो गोलियां मिल रही हैं उन गोलियों को खा करके हमारे बच्चे कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, उनको कौन रोका जाता है? मेडिकल स्टोर में धड़ल्ले से वो गोलियां कैसे बिक रही हैं? इस पर रोक क्यों लगाई जा रही है और पुड़ियों पर रोक क्यों लगाई जा रही है? ये सारा नशा का कारोबार इस कांग्रेस के राज में चल रहा है और इनके संरक्षण में चल रहा है और इसको जब तक सरकार रोकेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी और निश्चित रूप से 2023 का चुनाव आने वाला है, इसमें जनता इनको उखाड़ फेंकेगी और इनके कर्मों की सजा देगी। बहरहाल शराबबंदी को लेकर भाजपा द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया है, साथ ही सरकार को भी घेरा गया है। देखना होगा इनके प्रदर्शन का असर आने वाले दिनों में किस तरह पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट।